Hello student, good morning. Today we will going to discuss two topics in this video. First one is electromagnet and second one is Fleming left hand rule. जो कि इन टू टॉपिक्स हैं, इनका हम आगे के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, उनमें इनका हम यूज करेंगे. तो फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट देखो आपके पास क्या होते हैं, कि जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो से, जो प्रीवियस वीडियो थी, कि करंट कैरिंग सोलेनोइड है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. कि करंट कैरिंग सोलेनोइड की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया था, उसके अंदर भी वही, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं नॉर्थ से स्टार्ट, साउथ से टर्मिनेट, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो गई थी, ये आपने समझ लिया. तो देखो वहां पर क्या है ना, कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया था सोलेनोइड के अंदर, तो उसके अंदर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर रखा जाए, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिन मटेरियल को, उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं. जैसे कि हमारे पास सॉफ्ट आयरन है, या जनरली आयरन है, स्टील है, कोबाल्ट, निकेल, जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उन मटेरियल को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं. तो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया हमने, जैसे कि आयरन ले लिया या स्टील ले लिया, तो वो उस मटेरियल को सोलेनोइड के अंदर रखा, तो वो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो जाता है. मींस उसके अंदर वही प्रॉपर्टीज आ जाती है मैग्नेट वाली, और उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. समझ आ गया होगा कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए सोलेनोइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मेटीरियल. कोई भी पीस ले लिया, लाइक सॉफ्ट आयरन ले लिया, या हमने क्या ले लिया, स्टील ले लिया, सॉफ्ट आयरन ले लिया या स्टील ले लिया, व्हेन प्लेस इनसाइड द कॉइल, कि जब उस कॉइल के अंदर रखते हैं तो मैग्नेट सो फॉर्म, तो उस टाइम पर जो मैग्नेट बनती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो समझ आ गया होगा कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया था इनसाइड द सोलेनोइड, तो उसका हम यूज करें किसी मटेरियल, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको मैग्नेटाइज करने के लिए. मैग्नेटाइज करने का मीन्स उसके अंदर वही प्रॉपर्टीज आ जाए जो कि मैग्नेट के अंदर होती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा. डायग्राम कैसे बनाना है, देखो ये सोलेनोइड थी हमारे पास इस तरह से, ये नंबर ऑफ टर्न्स थे ना, देखो ये करंट कैसे फ्लो हो रहा है ऐसे, देखो ये इसके अंदर ये टर्न्स गए इस तरह से, और ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है, कि नेगेटिव ले लिया, ये इधर हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया. तो देखो यहाँ पर हमारे पास कोई भी, जैसे कि ये हमने क्या रख दिया, एक वो सोलेनोइड था, ये तो अंदर का सोलेनोइड है, ये देखो क्या रख दिया हमने, कोई भी अंदर से है, अब अंदर थोड़ी ना दिखा सकते हैं, इसलिए बार बार रिप्रेजेंट कर दिया, कंप्लीटली रोड है. जैसे कि स्टील रोड ही ले ली, तो स्टील रोड को मैग्नेटाइज कर लिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया था सोलेनोइड के अंदर, उसके अंदर स्टील रोड को रख दिया, तो वो मटेरियल भी मैग्नेटाइज हो जाएगा. इस कंडीशन को क्या कहते हैं, या इस तरह का जो मैग्नेट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. तो इतना आपको इसमें लिखना है, समझ आ गया होगा. अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि अभी आपको बताया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. जैसे राइट हैंड रूल था आपके पास, राइट हैंड थंब रूल, वैसे एक साइंटिस्ट है फ्लेमिंग, उसने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिया, उसका हम काफी यूज करते हैं. एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में. तो देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है हमारे पास, समझ आ गया होगा, नोट कर लेना बेटा इसको, डायग्राम भी नोट कर लेना. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ये लेफ्ट हैंड रूल है. तो फ्लेमिंग्स ने लेफ्ट हैंड रूल है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर किसी का भी हम यूज कर सकते हैं. मीन्स उनकी डायरेक्शन को निकालने के लिए या डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं. तो पहले इसको समझो एक बार, देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है. हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल लेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड लेंगे, और लेफ्ट हैंड में क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेच कर देंगे थंब, फोर फिंगर, फर्स्ट फिंगर कहते हैं, या मिडल फिंगर या सेंट्रल फिंगर, वी स्ट्रेच द थ्री फिंगर्स, थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर या सेंट्रल फिंगर, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो फर्स्ट जो फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ ए करंट को, एंड थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर,
या डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स ऑफ द कंडक्टर। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या था, अभी समझा रहे हैं, ये आपको नोट नहीं करना है, जब बोला जाए तब आपको नोट करना है। तो जैसे कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो जब ओनली करंट कैरिंग कंडक्टर है तो हम क्या लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल लगाया तो ग्रिप ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया, करंट अपवर्ड है तो ग्रिप ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी और टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट है वो क्या देता है, डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड का ना। अब अगर मान लीजिए कंडक्टर और ले लें हम यहाँ पर और उसके अंदर भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अब देखो हमारे पास क्या हुआ, जब मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है, समझ आ रहा है नहीं मिल रहा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं देखो, मतलब ये रूल हम कहाँ लगाते हैं। जैसे कि हमारे पास टू पैरेलल स्टेट कंडक्टर ले लिया हमने, एक ये कंडक्टर ले लिया एक ये कंडक्टर ले लिया, टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन सेम डायरेक्शन ले लिया। तो देखो हमारे पास जब टू पैरेलल कंडक्टर ले रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये कैसे लगाएंगे, देखो पहले हम ये ले लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास करंट है तो ग्रिप ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, हमें यहां तक ले लेते हैं, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये इसमें ऐसे करंट है, समझ आया। अब यहां पर देखो अब हमारे पास टू चीजें आ चुकी है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी है और साथ में क्या है करंट। जब ओनली हमारे पास करंट है तो हम क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। जब हमारे पास करंट भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है तो फिर हम क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट लेना है बेटा आपको लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड में अभी आपको क्या बताया, वी स्ट्रेच द थ्री फिंगर्स सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे थ्री डायमेंशन होता है वैसे आपको क्या बताया कि ये तो आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट को। तो देखो भाई ये करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो देखो ये थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आप लगा के देखना बेटा, तो ये हमारे पास इस तरफ क्या आ जाएगा, फोर्स। तो समझ आ गया आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कब लगाना है, जब हमारे पास टू हो, मींस करंट भी है मैग्नेटिक फील्ड है, फिर आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछना है कि डायरिया मोशन ऑफ कंडक्टर बताना है कि किधर मोशन ऑफ कंडक्टर होगा, तब हम क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसको दोबारा रिप्ले करके देख लेना, समझ आ जाएगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखो हमारे पास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अब हम लिखेंगे कि कैसे लिखना है हमें, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी स्ट्रेच द फोर फिंगर या फर्स्ट फिंगर भी बोल सकते हो, मिडल फिंगर या सेंट्रल फिंगर भी बोल सकते हो एंड थंब सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ आया, अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी स्ट्रेच द फोर फिंगर मिडल फिंगर एंड थंब सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, देन फोर फिंगर या इसको फर्स्ट फिंगर भी बोल सकते हो, फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। समझ के करना बेटा इसको, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर फिंगर या फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर या मिडल फिंगर, देन फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर बोल दो या मिडल फिंगर या क्या बोल दोगे, मिडल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए करंट। कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो बोल रहे हैं बेटा, स्पेलिंग सही लिखना, डायरेक्शन ऑफ ए करंट, देन
thumb gives the direction of force. डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिख दे, देन थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स और मोशन ऑफ ए कंडक्टर. या अगर कोयल है तो कोयल लिख दे, समझ आ गया. देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी स्ट्रेच द फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. देन फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए कंडक्टर. तो ये हमारे पास क्या था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. इसका हम यूज करेंगे. अगला ही जो टॉपिक होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर, काफी इंपोर्टेंट आपके पास आर्टिकल है, तो उसके अंदर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे. उसके बाद में आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बताएंगे जो कि हम जनरेटर के अंदर यूज करेंगे. तो इसको आप अच्छे से समझना और साथ में आप नोट करने के साथ साथ याद भी किया करो बेटा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.